अस्सलामुअलैकुम। एक दिन पीएनओए ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान अकमल। नाज़रीन, हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनी है कि फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पर्पस। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ड्रीम बेसिकली होता क्या है, ड्रीम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे अपने पर्पस को हम लेके चलते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्पस का होना हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। इसके अलावा आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जुनून, पैशन और ख्वाब कितना इम्पॉर्टेंट और इनमें क्या ताल्लुक है आपस में। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि असातिज़ा का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है, परवरिश का हमारी ज़िंदगी में कैसे इम्पेक्ट करती है एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, एक हेल्दी और बाल मकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए। इन सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इन्फोटेक की एचआर हेड मिस आयशा लारी को। अस्सलाम वालेकुम। जी अलहमदिल्ला, मिस आयशा मैं भी ठीक हूँ। मिस आयशा, आज हम जिन टूल्स पे, जिन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर पैशन पर्पस पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ड्रीम को या पैशन को कैसे देखती हैं, बेसिकली ड्रीम को कैसे आप डिफाइन करती हैं, इसके बारे में प्लीज। ख्वाब, हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ख्वाब एक आपका, वैसे लफ्जी मानी में तो हमें सबको पता है कि हम सोते हुए जो ख्वाब देख रहे हो, लेकिन जिंदगी को गुजारने के लिए ख्वाब की अहमियत वो है कि आपका मकसद, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं और तो किसी मकसद के तहत आए हैं, आपको अपना वो मकसद अगर पता है तो वही आपका ख्वाब होता है। हर बंदे की एक कहीं ना कहीं पहुंचने की कि हमारी मंजिल वहाँ है, वो मंजिल जो है वो ख्वाब, वो मंजिल वो ख्वाब। मिस आयशा, ख्वाब जो होता है हमारे पास, कुछ तो हम सोते हुए ख्वाब देखते हैं, कुछ हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं सिर्फ, यानी कि जो हम जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं वो हमारे लिए ज्यादा जो है ना इम्पैक्टफुल होते हैं बजाय करके कि जो हम सोती आंखों से ख्वाब देखते हैं। आप क्या समझती हैं कि जुनून, पैशन और ख्वाब में आपस में कितना जो है ना रिलेशन है, कितना अहम है इन दोनों का एक होना, कि जरूरी है कि हमारा ख्वाब और हमारा पैशन एक ही हो या कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है? ज़रूरी मेरी नज़र में ज़रूर, क्योंकि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? बिल्कुल ऐसी बात। तो जो पैशन है ना वो आपकी गाड़ी का फ्यूल, यानी आपके मकसद का फ्यूल है। अगर आपके ख्वाब जो हैं वो बड़े हैं, और बड़ा ख्वाब इंसान तभी देखता है जब उसके अंदर कुछ करने के ना शौक होता है, जिससे जो है कोशिश को कर रहा होता है कि बस ये तो मैंने करके रहे, तो वो पैशन जो है वो दैट्स फ्यूल फॉर यू। जिंदगी को बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए उसके लिए हमें ख्वाब का होना जरूरी है, या बगैर ख्वाब के भी अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है? बस आपने 9 to 5 जॉब की और उसके बाद आपको एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। तो हम जैसे आपने शुरू में बात की कि जी साथा का क्या रोल है, तो मेरे भी कुछ साथा ने मुझे बात बताई थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिंदा तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से बात करें तो जो डेड फिश है वो पानी में करंट के साथ, यानी पानी के बहाव में बहती है, जो जिंदा मछली होती है वो हमेशा पानी के करंट के अगेंस्ट जाती है। सो वो बात जो है मतलब मेरे जहन में हमेशा रहती है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो इसके लिए आपको पानी के बहाव के क्रॉस करना होगा, अगेंस्ट चलना होगा। सही हो गया। तो जैसे आपने अभी बताया मुझे कि असातिज़ा का बहुत अहम रोल होता है जी, तरबियत का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल होता है एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए? पहले तो जी वैसे तो खैर माँ बाप को ही चूकता नहीं, ठीक है। पहले तो हम, मैं तो सिर्फ थैंक यू कर सकती हूँ अल्लाह मियाँ को कि अल्लाह मियाँ ने ऐसे पेरेंट्स दिए, और उसके बाद पेरेंट्स के बाद टीचर्स दिए जिनसे आप सीखते हो, सारी उम्र सीखते हो, और अगर कोई आपको वाकई में कोई एक लफ्ज भी सिखा दे तो वो आपका टीचर है। बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं कि वो आपसे बड़ा ही हो, आपसे छोटे भी आपको बड़ा कुछ सिखाते जाए। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली बात करेंगे तो मैं अपने टीचर्स के लिए मतलब सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उनके लिए जान हासिल। मिस आयशा, आप क्या समझती हैं कि ख्वाब को दिखाने में टीचर्स का या माँ बाप का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है, जिंदगी देने में माँ बाप का रोल है, तो ख्वाब दिखाने में तो पहला रोल है ही माँ बाप का।
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ख्वाब हम पे जो है वो हमारे माइंड में डाल दिए जाते हैं या कुछ ख्वाब इसको कहते हैं। मुझे समझ आ गया आप क्या बात कर रहे हो। असल में होता यही है कि वो जैसे जाहिर है जब बच्चा एक छोटा बच्चा है तो वो जब दुनिया में आ रहा है तो उसको पहले तो उसको अपनी नहीं वो केयर कर सकते ना, तब माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप के बाद असाज़ा होते हैं आपके जो आपका ख्याल रखते होंगे। तो अगर हम उस तरह से बात करें तो ठीक है, वो आपको अपनी सोच के मुताबिक एक बेहतर चीज या एक रास्ता दिखा रहे होंगे। लेकिन जैसे हमने शुरू में बात की कि फॉलो योर ड्रीम्स में इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, सो मे बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हेन यू गेट योर कॉन्शियसनेस तो आपको फील हो कि नहीं अच्छा ठीक है दिस इज गुड, बट मेरे ख्याल से मेरा दिल जो है ना, क्योंकि आपका मकसद वहां है जहाँ आपका दिल और दिमाग दोनों मिल। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ दिल की सुननी चाहिए। अगर दुनिया में रहना है या आपको एक प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है तो आपको दिल और दिमाग को जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उसका, वो आपका प्रॉब्लम। ठीक है, मिस आयशा मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हम एक अच्छे मकसद का तौयन कैसे कर सकते हैं, एक अच्छे ख्वाब का तौयन कैसे कर सकते हैं। जो आपके अंदर की आवाज़ है, हाँ ठीक है, एक तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अंदर की आवाज पे बहुत सारी फलसफे लिखे जा चुके हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप इसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और आसान अल्फाज में थोड़ा सा प्लीज समझाओ। अगर हम आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो तो मैं उस तरह से, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में ज्यादातर कुछ स्टूडेंट्स हैं या कॉर्पोरेट के लोग हैं, तो आई वुड टॉक ऑन दैट। बेसिकली जब हम इनर वॉइस या अंदर की आवाज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपने कोई अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करना है कि जी मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने एचआर हेड बनना है, मैंने सीईओ बनना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, दैट इज यू टू डिटरमिन, ये आपकी अपनी आपका अपना बेंचमार्क है। ठीक है, अब उसके लिए उस बेंचमार्क तक पहुँचने के लिए आप किस तरह की चीज़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सी उससे रेलिवेंट अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि जी अगर मुझे बनना है एचआर हेड बनना है तो मुझे क्या सिर्फ सिर्फ यही है कि मैं लोगों से अच्छी तरह बात करता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको एक आपका नेचुरल अलामियन स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक तो पहले अपने बारे में पता कि मैं ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, वीकनेस भी मेरे का इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ठीक है, वीकनेस मल्टीवाइटमिन से पूरी हो सकती है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो लर्निंग से। ठीक है, सही। मिस आयशा जैसे आपने बात की है कि हमारे कुछ पर्पज़ ऐसे होते हैं जो हमारे माँ बाप के पर्पज़ होते हैं, बिल्कुल, जो हमारे उसाज़ा के जो हमारे पर्पज़ होते हैं, शायद वो अपने स्टूडेंट्स में या अपने बच्चों में वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पूरा हाँ, तो वो बच्चे को वो चीज़ बता बता के उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं, उसमें जो है ना वो थोप देते हैं उसके ऊपर कि आपने तो यही करना है। हो सकता है उसका वो पैशन ना हो सकता है उसमें वो एक्सेल ना कर सकता हो, वो उसका ड्रीम ही ना हो, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे माँ बाप के लिए क्या करना। अच्छा, एक तो ये है कि देखें जैसे हम हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं कि कहा जाता है ये डॉक्टर बन जाए ये इंजीनियर, दुनिया अलमिया की इतनी वसी है और अब आज के दौर में तो जैसे लोग कहते हैं कि जी नौकरियां नहीं है, और अगर आप हम एचआर वालों से पूछें तो हम ये कहेंगे कि सही स्किल सेट में, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमने अपना एक छोटा रास्ता रखेंगे तो हम छोटी मंजिल में पहुंचेंगे, बड़ा रास्ता रखेंगे, ख्वाब जितना बड़ा होगा उतनी मेहनत करेंगे ना, पर अगर मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ठीक है तो मैं अपने आप को रेडी करूं इन्फोटेक की बिल्डिंग तक चढ़ने के लिए तो फिर बात नहीं बनेगी, उसके लिए मुझे तैयारी भी उतनी तैयारी करना पड़ेगी। तो पेरेंट्स से मैं आ रही हूँ कि पेरेंट्स को भी एक तो समझना चाहिए कि नेचुरली मेरे बच्चे का इंक्लिनेशन किस साइड पे हो सकता है, और जैसे मैंने कहा कि इनर वॉइस को सुनना चाहिए,
ठीक है, मैं बार बार एक ही बात को डिफरेंट तरीके से आपको बोलूंगी, लेकिन मकसद मेरा वही रहेगा कि आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं ठीक है, जैसे मैंने कहा कि शुरू में बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने साथ की बात सुनेगा या अपने पेरेंट्स की, उनका भी मकसद उसको आगे ही बढ़ाना है। हाँ, ठीक है, अब मंजिलें हो सकते हैं कि डिफरेंट है, सही है। सो ठीक है, आप चलना शुरू करें, अगर आपको नहीं उस बात पे समझ आ रही है, ठीक है, तो आपने जो बात या जो रास्ता समझ आ रहा है उस पे आप अगर पैशनेट है उस चीज पे, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर तो आप रास्ता चेंज करके भी तेजी से भाग सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सो अपनी उस तेजी से भागने के लिए आपको उसके लिए कोई वो जुनून और वो पैशन होना ना जरूरी है लाइफ। पेरेंट्स के लिए, सॉरी वो क्वेश्चन का डायमेंशन दो तीन तरह के, तो वो पूरा नहीं हुआ। पेरेंट्स के लिए अगेन वही वाली बात कि उनको थोड़ा सा ये भी रियलाइज करना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद अगर बच्चा होगा किसी चीज में नेचुरली इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको इनकरेज करे, बेशक वो हो सकता है कि वो बड़ा आउट ऑफ नॉर्म चीज हो। जैसे हमारे यहाँ एक पॉइंट पे ना बहुत ज्यादा बोला जाता था कि लड़के जो है वो ये काम नहीं कर सकते या लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। हम लड़के लड़की उनसे पहले तो इंसान, तो हमें पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज हमेशा ये होगा कि अपने बच्चों की परवरिश में इक्वालिटी जरूर है, स्पेशली फॉर देयर फीमेल किड्स, कि अगर हम उनको आज प्रिपेयर नहीं करेंगे कल की टफनेस के लिए तो वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हमारी अगर लोग बहुत सारे रिलीजन की भी बात कर लेते हैं या हमारे कल्चर की बात करते हैं, नाउ थिंग्स हैव रियली इंप्रूव्ड एंड चेंज। आप अपना वैल्यू सेट इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टिल कर दें बच्चे में कि फिर मैं भी देखती हूँ कोई कैसे इधर से उधर जाता है। मिस, मकसद तो हर बंदा ही बना लेता है, बड़े बड़े हम बड़ी बड़ी कंपनीज के मकसद होते हैं, बड़ी बड़े फर्म जो होती हैं हमारे पास उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं कि उनको अचीव करना है, एक साल के, दो साल के, पाँच साल के प्लान्स होते हैं। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है कि मुश्किल मिजाजी के कोई बंदा कितना कंसिस्टेंट है किसी चीज़ में। अब जैसे आपने बात की कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसके लिए लाजमी बात है कि अब आधे में चढ़ के अगर वो रुक गया तो वो कभी भी पीक पे तो नहीं पहुंच सकेगा। तो मुश्किल मिजाजी कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। जैसे हमारा टॉपिक इटसेल्फ इट सेज़ कि जी फॉलो योर ड्रीम्स बट हाउ। हाँ बिल्कुल, by finding your purpose, by having passion about it, and by perseverance, how to get there. So how to get there part is basically perseverance. आपने अगर मीठा पानी पीना है, आप एक कुआं खोदे उसके, अब ऐसे तो नहीं है कि आज आप यहाँ कुआं खोद रहे हैं कल को आप वहां कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। आप एक ही जगह पे कुआं खोदते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज फिर आप ना इधर के ना उधर। सो कंसिस्टेंसी जो है दैट इज द की, डिसिप्लिन इज द की टू रीच एनीवेयर इन लाइफ। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड अबाउट इट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड मोस्ट लाइकली चांसेस आर कि आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। और जिंदगी गुजारने के लिए या कुछ मकसद पाने के लिए आप देखो आप हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो आपको वहाँ आपका डिसिप्लिन, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो और वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हमें जी पांचों वक्त की नमाज पढ़ना, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और हमारे लिए जब भी कहते हैं। अब उसके लिए अगर हम रोज रात में लेट उठ रहे उठे हुए और सो नहीं रहे टाइम पर, तो सुबह आप फजर के टाइम पर नहीं, तो आपने अपना डिसिप्लिन खराब कर दिया। सो आपको अब ये छोटी छोटी चीजें या सादी सादी बातें जो हैं ये ऐसे नहीं कही गई, इनके पीछे बहुत ज्यादा तजर्बा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। इसी वजह से जैसे इस पे हमारी बड़ी मशहूर टॉर्टोइज और रैपिड की स्टोरी है, दैट इज द वर्ल्ड्स फेमस, आप कह लो कि दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परसिवेरेंस।
कि जो रैबिट था मतलब वो कितना तेज है कछुए से, ठीक है, वो एक तेजी से भागा और एक जगह जाके रुक गया। अब जो टॉर्टोइज है वो चलता जा रहा है, वो अपनी मंजिल तक जाके रुक जी, तो जीता वो जो पहुंच गया। सो पीपल हु सक्सीड इन लाइफ आर द वंस हु फिनिश समथिंग। इफ यू आर नॉट फिनिशिंग इट, if you are very passionate about something, aap baatein kar rahe hain ki main yahan chala jaunga, main duniya mein pahad sar kar lunga, aur aap sote reh jate hain ya aap sirf jaake bas dusri sadak tak ja rahe hain aur phir wapas aa jate hain, to aap chalte nahi sakte। aapne badi achhi baat ki ke motivate, aap har time motivate nahi reh sakte, nahi reh sakte, to humanly not possible, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज के लिए क्या कोई जो आपका जिसे आप कह सकते हैं कि मेंटोर होना जरूरी है, रोल मॉडल होना जरूरी है कि जिसे आप हर टाइम देखते रहें और वो आप जो है ना उससे मोटिवेट हैं, या इसका कितना इसका एक बड़ा मजेदार आंसर ये है कि बेशक होना चाहिए, ठीक है, रोल मॉडल भी होना चाहिए और मेंटोर और बाकी आप जिसको आइडियलाइज करते हैं वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कोई और दोस्त हो सकते हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनको फॉलो भी, ये नहीं है कि जैसे हम अगेन मैं थोड़ी सी रिलीजन को बता रही हूँ, आज ला रही हूँ लेकिन बात आ जा रही है कि हम उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो हमारे मतलब की हो, बाकी तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेस देते हैं। तो अगर आपने अपने रोल मॉडल या मेंटोर को भी फॉलो करना है तो वो भी कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो फिर और आपका वो पैशन जो है ना, मतलब फिर उनमें जो बिलीव है वो 100% वो कम नहीं होना चाहिए। आप चाहे बहुत सारी चीजें वो आपकी मर्जी के अगेंस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखना ये है कि वो अगर कर रहे हैं रोल मॉडल आपकी कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है, और आप अपने ऊपर अगर उस चीज को अप्लाई करोगे तो उसका किस तरह से आपको फायदा होता है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी नजर में खुद एक रोल मॉडल होना चाहिए, आपका रोल मॉडल आप खुद होना चाहिए कि मैं ये काम करता जा रहा हूँ तो देखो आज मैं यहाँ था और कल मैं यहाँ पर पहुंचूंगा और फिर कल आप देखो ओ मैं यहाँ पहुंच गया। हमें अपनी पावर का अंदाजा नहीं, हमें अपनी पावर का अंदाजा नहीं कि एज ह्यूमन हम क्या क्या कर सकते हैं, बस अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। मतलब आपका पहला जो दिन है वो आपका जो अगला दिन है वो पहले दिन से जरूर बेटर होगा, हर आने वाला दिन गुजरे हुए कल से बेटर होना चाहिए और वही आपका मॉडल जी सही हो गया। मिस आयशा प्लीज इस बारे में बताएं कि बादशाह लोगों में बैठने से क्या आपको बामकसद जिंदगी मिल सकती है, या उसका तयन जो है ना आपको किसी रोल मॉडल से ही मिलेगा, किसी मेंटोर से ही मिलेगा। सही, जैसे अच्छी डिश बनाने के लिए कुछ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी, तो हर जिंदगी को भी अच्छा बनाने के लिए हम एक चीज पे नहीं रह सकते। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो पहले की सेंस है, मतलब वेरी नॉर्मल सेंस बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइक यू से के यू आर अ मैन इज नोन बाय द कंपनी। सो अगर आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जो बस कुछ उनका मकसद नहीं है या वो किसी चीज के बारे में सीरियस नहीं है, तो आप फिर वैसे ही ना, जैसे मैंने पहले भी बात की कि टीचर्स हमें डिफरेंट चीजें सिखाते हैं, तो ये नहीं कि अगर आप आ गए हैं तो बस जस्ट डाई एंड डिसॉल्व वाली सिचुएशन में आ गए। आप यहाँ दुनिया में आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने आप को कुछ देने वाला बना के, ठीक है। सो इसी तरह कंपनी भी एज इम्पॉर्टेंट एज द सेइंग सेज इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रोग्रेसिव लोगों में रहेंगे, लेकिन आप अब इतनी टेक्नोलॉजी की दुनिया, इतनी इंफॉर्मेशन डिसरप्शन है, हम एक वक्त में
मोबाइल से कितनी चीजें देख रहे हो, आप हर चीज मोमेंटली याद नहीं रख सकते, जॉब नहीं कर सकते आपने एग्जैक्टली. तो जो आपके साथ के लोग हैं अगर वो कोई प्यारी बात करते हैं तो हर इंसान जिससे आप मिलते हैं उससे आप एक प्यारी बात या एक लर्निंग पॉइंट अपनी जिंदगी में सीखें और उसको एब्जॉर्ब कर लें अपनी रूटीन में ले आए. सो अगेन कंपनी मैटर जरूर करती है लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप उस चीज को कंसिस्टेंटली उस अच्छी बात को अपनी लाइफ में डालेंगे तो आप बहुत सारे लोग लेजी होते हैं. जिनकी बगैर मकसद की जिंदगी होती है, कोई जिंदगी का मकसद नहीं होता, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों को क्या मंशूर है ऐसे लोगों को? वैसे तो जी अल्लाह मियां ने अगर अपनी जमीन पे किसी को भेजा है तो हम सारे वैसे तो मैसेंजर ऑफ गॉड है. तो हमें एक तो अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए क्यों. और आपका जैसे सवाल है कि जी लेजी लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिर वो उनकी हर चीज लेजीनेस में रह जाती. सो अगेन वही वाली बात के देखें अगर आप हैं भी, अक्सर हमें रास्ता हमें वो रास्ता नजर ही नहीं आ रहा या हमारे माँ बाप उस तरह से हमें वो नहीं दिखा पाते या किसी की भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं. अगर किसी बेचारे के पैदा होते ही वहाँ माँ बाप नहीं है तो वो तो कहेगा यार मेरा तो इनिशियल इंस्ट्रक्शन या लर्निंग जो वही मैं बेचारा. अगर हम उस मैं बेचारे मोड से निकल आएंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह मियां की कितनी खूबसूरत दुनिया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और हम उस खुश रहने का या जिंदा रहने का शौक तो हर एक को है. तो वो जो लेजी लोग हैं ना उनको वो रास्ता दिखाना जरूरी है अगर वो खुद में और अगर आप हैं तो फौरन उठ के बैठ जाए. आपकी अपनी जिंदगी में क्या मकासद है और आपने उनको कैसे चेज किया है? ओके मकासद देखें जैसे एक बच्चे को खिलौना मिलता है ना तो वो चाहता है कि मुझे ये खिलौना मिले, जब वो मिल जाता है तो वो कहता है अच्छा नहीं ये नहीं. और तो जिंदगी तो एक सफर का नाम है ना जो चलती जा रही है और चलती रहेगी जब तक हमारी आपकी सांस. जी जी. तो अगर मैं उस तरह से बात करूँ तो बहुत सारे मकासद जो आज से 10 साल पहले थे वो शायद चेंज हो गए, कहीं ना कहीं पूरे भी हुए और कुछ ड्रॉप भी हुए, लेकिन ये है कि फिर बंदा अपने मकसद बनाता रहता है जब तक जिंदा. सो पहले तो अगर मैं बात करूँ तो लाइक मैंने शायद ऑफलाइन आपसे बात की थी कि मैं एचआर की फील्ड से हुआ, मैंने ये कॉन्शियसली एफर्ट करके ये ज्वाइन की थी. I took a risk of all my admissions, other admissions, because I studied psychology for 4 years and I was very close to my psychology teacher. Till date, we are very much in touch and I feel that the role in my life is very important. And at the same time, my personal responsibilities or shock was that I was going to business side. So, और साइकोलॉजी पढ़ने के अलावा भी एक शौक था कि फीलिंग थी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग के मेरी लोगों से बहुत अच्छी एक रब्त बन जाता है या लोगों के साथ में लोगों को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ या वो इजीली मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेट. ठीक है. सो वहाँ पर फिर मुझे ये समझ आया कि एचआर की एक ऐसी फील्ड है और क्या कहते हैं वो साइकोलॉजी उसको बैक भी करती थी क्योंकि सोशल साइंसेस की बैक है एचआर की. सो वहाँ पर मुझे मैंने बस ये डिसाइड किया कि मैंने मास्टर्स अपना एचआर में ही करूँ और फिर जाहिर है आपकी अपनी सर्कमस्टांसेस होते हैं वसाइल होते हैं. सो उस वक्त ऐसे थे कि मैं 2-3 जगह पे एडमिशन्स नहीं ले सकती थी, मैं एक ही जगह पे ले सकती थी. सो एंड द एडमिशन फॉर एचआर डिग्री वाज इन द लास्ट प्लेस. सो मैंने कहा कोई बात नहीं अब लास्ट डेट गुजर जाएगी तो गुजर जाएगी, मैंने तो ले लिया. और मैं इतना ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर इंस्टीट्यूट में फॉलो अप था कि जब मैं एडमिशन के लिए इंटरव्यूज हो रहे थे तो जब मैं वहाँ पर गई
तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम तो जो हमारी हेड थी उसको उनका वो आपको तो कौन नहीं जानता अभी मैं इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट नहीं थी तो मैंने मुझे एग्जैक्टली ये कहा सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो आप अगर उसके पीछे एक आपका जुनून है और आप बिल्कुल है और आप कंसिस्टेंटली कुछ करते जा रहे हैं ना कभी कभी बहुत दफा ऐसे होता है लाइक ऐसे कि मोटिवेशन नहीं भी है लेकिन आप मुस्तकिल मिजाजी से उसके पीछे चलते जा रहे हैं तो वो आपको आपकी कोई ना कोई मकसद पे ले जाती है तो अभी भी मकसद तो शायद अभी थोड़े और बड़े हो गए हैं ठीक है तो पढ़ लिया 15 साल माशाल्लाह से नौकरी भी कर ली और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया था मास्टर्स इन एचआर में 2004 में इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज से सो उसके बाद से ऑल अबाउट एचआर एंड कम्युनिटी बिल्डिंग आपने अभी बात की है कि वसाइल बड़े अहम रोल अदा करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैशनेट भी होते हैं उनके पास एनर्जी भी होती है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते अपने मकासद को पूरा करने के लिए बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए तो ऐसे लोगों को आप क्या ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि हर चीज़ जो आप देख रहे हैं या पाना चाहते हैं उसके लिए अगर आपकी नीयत बहुत साफ है और स्ट्रॉन्ग है तो ट्रस्ट मी आपको वो चीज़ मिल के रहेगी अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं इतना हैरान होती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं करके आ चुकी हूँ जो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जिनके बहुत ज़्यादा वसाइल हैं शायद वो भी नहीं कर सकते सही सो अगर अल्लाह मियाँ से आप मांगेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं मिलती वसाइल की अगर हम बात करें अगर वो बच्चा या बच्ची अपनी उस एफर्ट में इतना कैपेबिलिटी में इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो जाए ऐसा नहीं हो सकता कि वो इधर उधर फिजल आउट हो जाए सो ये आपने नहीं सोचना कि ओ मैं कैसे करूँगा इवन हम आज टिल डेट अगर मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मकासद और बड़े हो गए तो कहीं मुझे भी ख्याल आता है कि ओ अच्छा यार इसके लिए जरा सा थोड़ा सा मसला है लेकिन लाइक आई इनिशियली सेड कि हमें खुद अपनी पावर करनी है अगर हम अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रख के अपनी मेहनत करेंगे तो वसाइल के अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि जी इतना वसाइल नहीं थे कि हम उस इंस्टीट्यूट में चले जाते तो आपकी कैपेबिलिटी या स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो हर इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप सो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको वो दुनिया मिल जाएगी नज़र भी आ जाएगी जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो एक्सपीरियंसेस आप करते जा रहे हो वो आप कहीं ना कहीं किसी मकसद के तहत आ तो आपको वो पता होना चाहिए कि मैंने अपने मकसद तक कैसे पहुंचा सही यानी अगर आपके पास विल पावर है तो विल पावर है आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल अल्लाह मियां रास्ते खुद खोलते हैं हमारे बड़े कहते हैं और ये हमने देखा इसको मैं सेकंड ऐसे कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में बिल्कुल आल्सो अनदर वर्ड इज मैनिफेस्टेशन इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग इन द यूनिवर्स के जी अल्लाह मियां मुझे ये चीज चाहिए और उसकी मेरी इतनी स्ट्रांग इंटेंशन हो और नियत हो कि फिर अल्लाह ताला इज बाउंड टू गिव अस यहां पे ये भी तो होता है चाहत आपकी पूरी होनी चाहिए मिलता आपको तो यहाँ पे मिसाज ये भी तो होता है ना कि हम वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि ख्वाब जरूर देखने चाहिए लेकिन उनके पूरा होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए तो इसको आप कैसे सेकंड करती हैं कि क्या ऐसा ही होनी चाहिए कि उनके पूरा होने की शर्त भी रखनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो आपकी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए ज्यादा सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए ठीक है किसी से नहीं होनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हैं तो ह्यूमंस तो हो जाती है लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट इसमें ये है कि एक्सपेक्टेशंस को आप मैनेज करें ये भी मैं कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस रखें ना रखें जरूर पर उसको मैनेज अपने ऊपर सवार ना ठीक है अगर हो सकता है कि हम इंसान हैं हमें हम वो खुला हुआ अगले खुले में 10 दरवाजे ना देखें और जो पहला बंद है बस उसी को देखें हाँ बिल्कुल सो अल्लाह ताला ने हो सकता है उससे कोई बड़ी चीज़ आपके लिए रखी तो वो देखना और एक और बात इसमें ज़रूरी है कि अपना पेशेंस लेवल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग
faith and patience is also two things that you really need to work. अलग अलग ही साथ पे आपका भरोसा बिल्कुल 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 सही. मिस अच्छे मकसद का तौयन कैसे किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये मेरा जो पर्पस है ये बिल्कुल एक रीजनेबल है और मैं इस पे इसको जो है पूरा कर सकता हूँ. पर्पस अगर आपका जिंदगी में है तो किसके लिए, आपके खुद के लिए, वो ये नहीं है कि आपकी अगर आप मर्द हैं तो आपकी बेगम के लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं है, सही आपके अपने. तो जो आपको सही लगता है, जो आप एक इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड कहलाता है, ठीक है, कि जब हम अपने अंदर अपने आप को झांकते हैं, ठीक है. सो व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दैट पर्पस इन लाइफ, यू शुड बी clear and you should be proud of your own self. You should become your own role. ठीक है, so अगर वो चीज ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि अगर हम सबने बिल क्लिंटन नहीं बनना, हम सबने इमरान खान नहीं बनना, हम जो हैं वो हैं. हमें पता होना चाहिए कि हम जितना भी कर रहे हैं वो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज कर. ठीक है, मिस मकसद जो आपका पर्पस होता है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका मकसद एक ऐसा मकसद है जो रीजनेबल है, जो चेज किया जा सकता है, लेकिन दुनिया को ऐसा लग रहा है कि नहीं जी ये चेज नहीं हो सकता. अब आप ये ख्वाहिश करना शुरू कर देंगे जी कि मैं रातों रात जो है ना बिलियनियर मिलियनियर बन दूं, तो ऐसे ऐसे मकसद को आपके सवाल से. और ये टिपिकली हमारे यहाँ बेंच मार्क ऑफ सक्सेस जो है ना, दैट इज द फाइनेंशियल प्लेस इन द वर्ल्ड. तो बहुत सारे इस तरह, तो फिर जितने भी अल्लाह के भेजे हुए वली और पैगंबर हैं उनका तो फिर कोई मकसद ही नहीं था, वो तो बेचारे ऐसे ही चले गए. जितने भी बड़े नाम अगर मैं लूं, उनके पास तो बहुत सारी दौलत नहीं थी उनके पास, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी इल्म. ठीक है, सो इट इज अगेन आई वुड से द सेम कि इट इज अबाउट योर ओन सेल्फ. अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो दुनिया सेटिस्फाई हो जाएगी. ये बात आप ही याद रखिए कि हम अगर खुद इनर सेल्फ आपका सेटिस्फाइड और कंटेंटेड है, जरूरी नहीं है. हो सकता है ये वही बात है कि किसी को 4 लाख का बैग भी, ब्रांडेड बैग जब 3-4 लाख के होते ही आराम से, तो 4 लाख का बैग लेके भी तसल्ली नहीं होती कि वो अच्छा मैं दूसरा भी ले लूँ. और किसी को कहेगा कि यार मुझे ये अच्छा सा ये बस कपड़े का बैग जो है ना मुझे ये पसंद है. इट इज योर ओन पर्सनल चॉइस ना, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस. ठीक, बेसिकली ये आप कह रही है कि आपके अंदर की इनर सेटिस्फेक्शन है. बिल्कुल, इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, योर कंटेंटमेंट, योर प्रेज अबाउट योर ओन सेल्फ. पर्पस हम जिंदगी में चूज तो कर लेते हैं, बहुत सारे मकसद हम बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें किस्मत को भी मद्देनजर रखना चाहिए. कि वो मुझे अब इकबाल का शेर नहीं याद आ रहा कि मोमन है फक्त अहकाम इलाही का बना, कि मकसद तो हम बना लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें किस्मत को भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है. तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपने बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मुझे पता है कि मिलेगी तो चीज मिलेगी, लेकिन चलो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, तो फेथ ये है कि मिलेगी. सही है, अब वो जो बीच में वो जो आपको कहते हैं ना थोड़ी हार्डशिप, और देसी वर्ड में अगर बोलूं तो रगड़ा लग रहा है, तो उसको आपने परेशान नहीं होना, आपने आगे बढ़ते रहना है, कदम चलते रहने का नाम. तो किस्मत जरूर है लेकिन आपकी दुआ और आपकी नियत उस किस्मत को बदलती है. सो जैसे एक है कि बदलती हजारों की तकदीर है, मुझे अब याद नहीं आता. गाइडलाइन का मैं पूछना चाहूंगा कि गाइडलाइन आपको किन से लेनी चाहिए अपने मकसद के तौयन के लिए. अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो किन लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं? सबसे पहली गाइडलाइन तो आपके पेरेंट्स है. ठीक है, पेरेंट्स हैं, और अगर वो देखिए हमारी एग्जिस्टेंस उन पेरेंट्स की वजह से बिल्कुल ऐसी, और ऐसा नहीं होता कि वो
जो सबसे ज्यादा मुखलिस एक रिश्ता जिंदगी में मैंने देखा है वो माँ बाप देखे अपनी औलाद के लिए, औलाद ही माँ बाप के लिए उतनी ही होती जितनी क्या कहते हैं पेरेंट्स होते। तो पहली तो गाइडलाइन उनसे आपको मिलती है, ठीक है, लकी होंगे आपके अगर वो बहुत बाशऊर हैं और दूर तक उनकी निगाह है, ठीक है, दूर अंदेश है, तो वो आपको, वो तो आप घर से ही आपको मिलती। फिर ये है कि अगर आपका जो भी मकसद है ना, उस मकसद में आपके जो असातिज़ा है या आपके साथी हैं, ठीक है, हर कोई आपका मेंटर नहीं बन सकता। जिसको, जैसे मैंने कहा कि रोल मॉडल वो है जिसको आप 100% उसकी प्लस और माइनस के बाद उसको आप फॉलो कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो वो ही फिर गाइडलाइन आपको उससे जरूर। और देखना ये चाहिए कि क्या आपकी फिर वही इनर सेल्फ जो है उस गाइडलाइन से सिंक मैच करती है या नहीं करती है। अच्छा मिस, प्लीज बताएं कि क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई पाथ डिफाइन है कि एक अच्छे मकसद का तौयन ऐसे किया जा सकता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जैसे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन से मुराद मिस के ऐसे मकसद तो नहीं बनाने चाहिए ना जो समझते हैं कि सुबह हो तो वो पूरे हो जाए। हाँ, तो अगर आप उसमें कुछ रियलिटी को भी मद्देनजर रखें। बिल्कुल, देखिए बात तो वही है जो प्रैक्टिकल जिंदगी जो गुजारना है वो एक सिस्टम है ना, रिलीजन भी क्या है, एक वे ऑफ यू नो सम रिचुअल्स, ठीक है, इसी तरह हम अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो देयर कॉर्पोरेट की मैं बात करूंगी, हर कंपनी एक मिशन विजन स्ट्रेटजी पर चल रही है, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एवरीथिंग। हम जिंदगी में आए हैं तो हमें बेसिक स्कूल जाने से भी पहले हमारे जो पेरेंट्स हमें चलना फिरना वॉशरूम जाना हर चीज सिखा रहे हैं, तो वो भी एक प्रोसीजर है या पाथ है जिसको हमने फॉलो किया। सो इसी तरह अपने मकसद में भी ये नहीं है कि जी आज मैंने सोचा, और मकसद ये नहीं होता कि मुझे ओ जी मेरी मुझे ये BMW और ऑडी मिल जाए, ठीक है, ठीक है, मकसद ये है कि आप जिंदगी में जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपके आप क्या उस दुनिया में छोड़ के क्या लेगेसी आप, ठीक है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई अच्छी बुक हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप रेकमेंड करना चाहें तो प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्योंकि माइंडफुलनेस पे भी बिलीव भी करती हूँ, कुछ छोटी सी प्रैक्टिशनर भी उन चीज़ों की, और उसी और हम उसमें यही कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुनिया में इतना स्ट्रेस हो गया हुआ है और अपने मकसद को पाने के लिए लोग इतने जुनूनी हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का एक पेशेंस है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत आपने अपनी मंजिलों पर पहुँचना है। सो उसके लिए आपको, आप जो भी कर रहे हो वो 100% कर रहे हो, सो 100% करने के लिए आपको प्रेजेंट स्टेट में बहुत ज़्यादा अलर्ट होगी। So I would recommend a book called The Power of Now. The Power of Now. आजकल काफी ज़्यादा ये book पढ़ी भी जा रही है. It's like one of the best sellers in the world by Eckhart Tolle. And it's like a blue color book. अक्सर market पे short है. मैं चार books खरीद चुकी हूँ, चार gift कर चुकी हूँ. और अभी अपनी अपने कह लो कि लाइब्रेरी में रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पास रखने के लिए ढूंढ रही थी पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी गई थी, दो तीन अच्छे बुक स्टोर्स पे गई, तीनों चारों के पास ही मिले मुझे तो, लेकिन ये है कि इट्स अ ब्रिलियंट बुक और जरूर पढ़। और हमारे नाज़रीन के लिए एंड पे कोई नसीहत? सिर्फ एक बात, अपने आप को पहचान, किसी को नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज ओनली यू दैट यू नीड टू इम्प्रूव और कम्पीट विद।
بہت شکریہ مس اشر, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مس اشر سے ملاقات کر کے مس اشر کی باتیں سن کے بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ان شاء اللہ پھر کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے ایجنڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کامران اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.